हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स। गाइज, तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट एमसीए कॉलेजेस इन नागपुर इस टॉपिक के ऊपर। और गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बढ़िया कॉलेजेस है गाइज जहाँ से आप नागपुर में एमसीए कर सकते हो। तो गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो चीज़ें है गाइज वो पता चल जाए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो ये सारे जो कॉलेजेस है गाइज वो रैंकिंग वाइज अरेंज नहीं है। ये सारी कॉलेजेस जो है गाइज वो रैंडमली अरेंज किए गए हैं। जितने मुझे बढ़िया कॉलेज लगे गए वो सारे कॉलेजेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कॉलेज है गाइज रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। यहाँ से गाइज आप जो एमसीए का कोर्स है वो कर सकते हो। बट सबसे पहले तो गाइज यहाँ की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ज़रूर से और अच्छे से देख लेना ताकि आपको कोई भी बाद में जो प्रॉब्लम है वो ना आए। सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेना, यहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है गाइज वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपकी ऑल ओवर जो फीस है वो कितनी जाती है। इस कॉलेज में हॉस्टल्स भी अवेलेबल है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। और एक ऑटोनॉमस कॉलेज भी है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, एडमिशन शेड्यूल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सारी जो अपडेट्स है वो यहाँ पे ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉलेज है गाइस काफ़ी बढ़िया कॉलेज माना जाता है। अगर आपको एमसीए करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलेज है गाइस जीएस रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर। ये भी गाइस एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ से भी गाइस आप जो एमसीए का कोर्स है वो कर सकते हो, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है गाइस वो आपको इस कॉलेज के वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप कॉलेज में जा भी सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। आपको कैंपस भी देखने को मिल जाएगा और सारी जो डिटेल्स है वो भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस तुलसीराम जी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये ए प्लस नैक ग्रेड मिला है गाइस इस कॉलेज को। यहाँ से भी गाइस आप जो है एमसीए का कोर्स है वो कर सकते हो। सारी जो चीज़ें हैं मतलब पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। नेक्स्ट है गाइस नागपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस। अगर आपको कैंपस से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है गाइस वो काफ़ी कम रहता है, तो अगर आपको कम फीस में करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और आरटी यूनि का कैंपस भी बढ़िया माना जाता है, तो अगर आपको एमसीए करना है तो यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज और ये है गाइस कैंपस का फीस स्ट्रक्चर, तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको सिंपली यहाँ पे चले जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में जाके फीस स्ट्रक्चर चेकआउट कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे फिर कमला नेहरू महाविद्यालय नागपुर। ये गाइस ए प्लस ग्रेड का कॉलेज है। यहाँ पे भी गाइस आपको जो एमसीए का कोर्स है वो देखने को मिल जाएगा, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे भी गाइस जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एडमिशन फीस स्ट्रक्चर। और पोस्ट ग्रेजुएट पर क्लिक कर लेना तो आपको मिल जाएगा फीस स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट है गाइस शिवाजी साइंस कॉलेज। ये भी काफ़ी बढ़िया कॉलेज माना जाता है। ये भी गाइस ए प्लस ग्रेड का कॉलेज है और यहाँ से भी गाइस आप एमसीए का जो कोर्स है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गाइस और भी कुछ कॉलेजेस है, जैसे आई थिंक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी एमसीए है, बट उनकी वेबसाइट जो है वो अभी मे बी वर्क नहीं कर रही है जितना मैंने अभी चेकआउट किया। वापस हम चेकआउट करते तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो बाद में एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और एक कॉलेज है वीएमवी कॉमर्स जेएमटी आर्ट्स कॉलेज। यहाँ पे भी गाइस आप एमसीए का जो कोर्स है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी एमसीए अवेलेबल है, बट स्टार्टिंग के कुछ जो कॉलेजेस हैं गाइस वो काफ़ी बढ़िया है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो उन कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो। इसके अलावा और कॉलेजेस आपको देखना है तो अलग अलग वेबसाइट्स पे भी गाइस गूगल पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी लंबी जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। अगर इन कॉलेजेस में से आपको कोई कॉलेज नहीं लगता है तो आप और भी सारे जो कॉलेजेस है गाइस वो देख सकते हो। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।